तो स्वागत है बच्चों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेली ब्लड एंड टिश्यूज का देखेंगे। देखिए बच्चों, हमने पिछली वीडियोस में क्या देखा था, जो हमारा एयर होता है वो हमारे बॉडी के किस किस पार्ट से होता हुआ गुजरता है और क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आते हैं। देखिए बच्चों, और उन पार्ट्स के बारे में, फंक्शन के बारे में हमने देखा था। लेकिन देखिए बच्चों, जो हमारा एयर होता है पहले नोज से जाता है, नोज से लैरिंजेक्स से होता हुआ ट्रेकिया से होता हुआ ब्रोंकी में एंटर करता है, ब्रोंकी से ब्रोंकिल्स, ब्रोंकिल्स से क्या होता है एल्वेली में जाता है। जो बच्चों मेन फंक्शन होता है ना, वो किसके अंदर होता है, जो मेन फंक्शन होता है आपका एल्वेली के अंदर ही होता है। ठीक है, जितने भी एयर के मेन फंक्शन होते हैं वो एल्वेली के अंदर होते हैं। एल्वेली तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे मीडियम्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जैसे आपका ट्रेकिया है, ब्रोंकी है, ब्रोंकिल्स का, और आपका नोज का क्या किया जाता है, एल्वेली तक एयर पहुंचाने का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसमें मेन फंक्शन जो होता है केवल आपका इसका होता है एल्वेली का होता है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि जो गैसेस एक्सचेंज होती है, जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वेली के बीच में, ब्लड के बीच में और टिश्यूज के बीच में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिये बच्चों, पहला पॉइंट आपका क्या कहता है, एयर रिच इन O2। रिच इन O2 का मतलब ये अमीरी वाला रिच नहीं, ठीक है, रिच इन मतलब ज्यादा मात्रा में, ज्यादा ज्यादा, ठीक है, एयर रिच इन O2। ठीक, कहने का मतलब O2 क्यों रिच इन O2, एयर देखिए बच्चों, हम लोग एयर जब लेते हैं तो उसमें O2 भी होता है, बहुत सारी अदर गैसेस भी होती हैं, स्मोक भी होता है, तो इसलिए जो हम लोग एयर लेते हैं ना, वो सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है, O2 रहता है। क्या रहता है सबसे ज्यादा, O2 रहता है। ठीक है, एयर जो हम लग लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है, O2 रहता है, इसीलिए लिखा हुआ है रिच इन O2। एयर रिच इन O2 रीचेस द ब्लड विच कंबाइंस विद द हेमोग्लोबिन इन RBC एंड O2 इज रिलीज्ड इन द एल्वेली टिश्यू थ्रू द ब्लड वेसल। देखिए बच्चों, ये पहला पॉइंट कह रहा है, क्या कहता है, जैसे आपका ब्लड क्या, सॉरी आपका एयर क्या हुआ, नोज से एंटर किया, ट्रेकिया से होता हुआ ब्रोंकी से होता हुआ, ब्रोंकिल से होता हुआ एल्वेली में पहुंचा। अब ये बच्चों एल्वेली, मैंने आपको बताया था कि एल्वेली क्या होती है, हमारी बॉडी के अदर पार्ट से किससे जुड़ी रहती है, यहाँ पर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होती है बीच में, क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, जो कि एल्वेली को क्या करती है, बॉडी के अदर पार्ट से जोड़ने का काम करती है। अब देखिए बच्चों, जब एयर आपका यहाँ पहुंचा, ठीक है, मान लीजिए ये एयर है, रिच इन ऑक्सीजन, ये एयर क्या हुआ हमारा एल्वेली में पहुंचे, तो ये एल्वेली के थ्रू क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, रीचेस ब्लड इन विच कंबाइंस द, अब एल्वेली के थ्रू क्या होगा, ये ब्लड में चला जाएगा। इसके फंक्शन आपको ज्यादा बेटर तब से समझ आएंगे जब मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये एल्वेली में क्या हुआ, ऑक्सीजन आया, ठीक है, अब ये क्या होगा, ब्लड में ट्रांसफर्ड हो जाएगा, किसमें ट्रांसफर्ड हो जाएगा, ब्लड में ट्रांसफर्ड हो जाएगा, और ब्लड में RBC क्या करेगी, और O2 को लेगी और उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराने का काम करेगी। ठीक है, तो ब्लड में ये क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, जो आपका एयर एल्वेली में पहुंचा, एल्वेली से क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा, ये ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये ब्लड में ट्रांसफर हो गया तो ब्लड क्या करेगा, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करता है, जहां पर भी ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है उसको दे देगा। फिर CO2 इज रिलीज इन ब्लड एंड dissolved into it and carried by blood vessels। ठीक है, देखिए बच्चों, आपने यहां से क्या किया, ऑक्सीजन दिया, ठीक है, यहां से ऑक्सीजन चली गई, ठीक है, आया समझ में सभी को, ब्लड कैपिलरीज से, एल्वेली से होता हुआ, ब्लड कैपिलरीज से होता हुआ फिर हमारे बॉडी में क्या हुआ, ऑक्सीजन चला गया। लेकिन मान लो कि ऑक्सीजन के बाद क्या होता है बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होता है। सभी को पता होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करने का काम करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ, तो इसको बाहर भी तो निकालना है, तो ये सेम प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये ब्लड द्वारा हमारे लंग्स में लाया जाएगा, लंग्स में ब्लड कैपिलरीज होंगी उसको दिया जाएगा, और ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, एल्वेली को ये CO2 देंगी, और ये CO2 क्या होगा, हमारे एटमोस्फियर में हमारे नोज द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। सेम प्रोसेस है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जिस रास्ते से वो जाता है उसी रास्ते से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर आता है। क्या कह रहा है, CO2 इज रिलीज इन ब्लड एंड डिजोल्व इन टू एंड कैरिड बाई ब्लड वेसल्स। ठीक है, CO2 क्या होता है, जब हमारे टिश्यूज क्या करते हैं, टिश्यूज ऑक्सीजन यूज करेंगे
ऑक्सीजन यूज करके वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज प्रोड्यूस करते हैं तो वो किस में रिलीज हो जाता है, हमारे ब्लड में रिलीज होता है। ये ब्लड कहाँ लेकर आती है, उसको एल्वेली के पास लेकर आती है। वो एल्वेली क्या करता है, CO2 लेता है और फिर ब्रोंकियल्स ब्रोंकी ट्रैकिया के थ्रू होते हुए हमारे नोज से वो क्या होता है, बाहर चला आता है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन एल्वेलियर सैक, ठीक है। एल्वेलियर सैक क्या है, एल्वेली का वो हिस्सा है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बॉडी के द्वारा लाकर डिपॉजिट, बॉडी में जो ब्लड रहता है वो लाकर क्या करता है, डिपॉजिट करने का काम करता है। उसे क्या कहते हैं, एल्वेलियर सैक कहते हैं, विच इज सेंट आउट थ्रू नोस्ट्रिल। मतलब हमारे एल्वेली में क्या हुआ, एल्वेलियर सैक में क्या हो गया, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है आके डिपॉजिट हो गया और उसके बाद क्या होगा, वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू जैसे सेम एयर जाता है इनसाइड जाता है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड सेम क्या होता है, आउटसाइड जाता है। देखिए बच्चों, जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मतलब जो जमीन पे रहने वाले जीव जंतु होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद रहती है उसका यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो एटमॉस्फेयर में जो जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद रहती है उसका यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद रहती है उसका यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं बच्चों, यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। देखिए बच्चों, जो एक्वाटिक एनिमल रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो वाटर के अंदर, एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहने वाले जानवर है, तो जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है उसका यूज करके वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। एक फैक्ट आपको बता रहा हूं मैं, अगर आपने कभी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो आप क्या करिए कि किसी भी एक छोटी सी मछली को लेकर उसको पानी के अंदर डाल दीजिए और पानी के ऊपर क्या कीजिए, तेल डाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपका कोई कंटेनर है, इसमें आपने क्या की, क्या किया, फिश को रख दिया, ठीक है, कोई भी फिश है उसको आपने क्या किया, रख दिया, ये आपकी फिश है, इसको रख दिया, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है इसमें मत जाइएगा, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, फिश को रख दिया, अब ये पूरा पानी से क्या हुआ है, भरा हुआ है। अब इसमें मान लीजिए आपकी, आपने ऑयल, कोई भी ऑयल डाल दिया, ऑयल जब डाल देंगे तो ये ऑयल क्या होगा, पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा। पानी के ऊपर फ्लोट करने के कारण क्या होगा, ये एक लेयर बना देगा ऑयल के ऊपर, सॉरी वाटर के ऊपर क्या करेगा, ऑयल एक लेयर बना देगा, जिसके कारण क्या होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन अब एंटर नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर जब तक ऑक्सीजन रहेगा फिश क्या करेगी, उसको ऑक्सीजन को यूज करेगी, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो ये फिश क्या कर जाएगी, डेड कर जाएगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिजॉल्व रहता है उसी को केवल यूज कर पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह था आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेली ब्लड एंड टिश्यू। यहाँ पर आपका जो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग का टॉपिक है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।